नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बोल दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते हैं। चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसर मुजफ्फरनगर से। आज के सेशन में राजकीय पॉलिटेक्निक जानसर के समस्त स्टाफ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, दिस इज़ फॉर इंडक्शन प्रोग्राम फॉर सेशन 2021-22 फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ उसमें सभी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे ना। आज का हमारा जो उद्देश्य है, क्योंकि सभी आप लोग आज अपना एक नए कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक एकेडमिक से एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो व्यवसायिक कोर्स होता है, जिसके आधार पे आप आगे अपना कैरियर चुनेंगे, जिसमें कि आप एज ए इंजीनियर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने ये फील्ड चुना है। तो इस सिस्टम में आने के बाद आपको कैसे यहाँ पर 3 साल अपना व्यतीत करना है, क्या एक्टिविटीज यहाँ पर होंगी, कैसे हम आपको एज ए इंजीनियर एक शेप देंगे, वो सारी उस पर हम एक चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली एकेडमिक से रिलेटेड रहेगा। हमारा ये इंडक्शन प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा, जिसमें आज के सेशन में मैं एकेडमिक्स पे बात करूँगा कि शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्य है यहाँ कैसे होगा, आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे क्या चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कौन सा कॉलेज में एडमिशन लिया आपने, क्या नाम है कॉलेज का। गवर्नमेंट कॉलेज का नाम जरूर ध्यान रखें, बहुत से बच्चे जो है पूरा नाम भी नहीं जानते। मुजफ्फरनगर, तो दिस इज योर कॉलेज, जिसमें जटवाड़ा ये प्लेस है हमारा, जिसमें ये लोकेटेड है। इसके साथ साथ इसमें जानसर आपकी तहसील है, क्योंकि जनरली क्या कभी कभी आपको अपना करेस्पोंडेंस एड्रेस देना होता है, तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा एड्रेस क्या रहेगा। तो आप कॉलेज का एड्रेस दे सकते हैं करेस्पोंडेंस के लिए, और या आप जहाँ पर भी स्टे कर रहे हैं वो एड्रेस दे सकते हैं। जानसर तहसील हो गया, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो हमारी ये गवर्नमेंट की जो संस्था है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 150 के आसपास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिटेक्निक की, जिनमें से एक इंस्टीट्यूट में आपने एंट्रेंस के माध्यम से आपको ये संस्था अवॉर्ड हुई है। हमारे यहाँ जो कोर्सेज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चे जिस कोर्स में एडमिशन लेते हैं उसका उन्हें पता रहता है, बाकी उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता उनके बारे में। तो फॉर दी इंफॉर्मेशन से सबसे पहला हमारे यहाँ जो ब्रांच है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रेज योर हैंड। कितने स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, वेरी गुड। इस ब्रांच का कोड है 330, ध्यान रख लें आप, ब्रांच कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 330 आपकी ब्रांच का कोड है। दूसरी जो ब्रांच है आपके पास, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज प्रोडक्शन। इसका जो ब्रांच कोड है, दैट इज 343, 343 ब्रांच कोड है इसका। पूरे पॉलिटेक्निक के अंदर जितने भी कोर्सेज चलते हैं, हर एक ब्रांच का अपना एक कोड है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो कोर्स हमारे चलता है वो है सिविल इंजीनियरिंग। इसका जो ब्रांच कोड है, दैट इज 322, ठीक है। तो ये 3 ब्रांच है हमारे यहाँ, जिसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, फाइन। कितने स्टूडेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो इसमें ये आपके ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आप में से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, कुछ सिविल में है, कुछ मैकेनिकल में है। अब बात ये आता है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से हमें सिलेबस पता
तो अभी हम बात करें तो ये जो कोर्स हैं आपके तीनों, ये 3 इयर्स कोर्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, क्या इस क्लास में नहीं, अभी कोई लेट लेंथी के माध्यम से शायद नहीं होंगे, हो सकता है वो सेकंड ईयर इतना क्लास कर रहे हो। तो जो स्टूडेंट लेट लेंथी के शुरुआत में उनके लिए 2 इयर्स का कोर्स होता है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो ये आपका 3 इयर कोर्स है। और 3 इयर कोर्स में आपको 6 सेमेस्टर पास करने होंगे, ठीक है, 6 सेमेस्टर आपको पास करने होंगे 3 साल के अंदर। जो बच्चे डायरेक्ट सेकंड ईयर में आएंगे उन्हें 4 सेमेस्टर पास करने होंगे, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू गेट दी डिप्लोमा, ठीक है, तब आपके पास डिप्लोमा कोर्स मिलेगा जिसके माध्यम से आप एज ए जूनियर इंजीनियर के लिए एंटाइटल हो जाएंगे, अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा पाएंगे, और किसी भी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आप गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में किसी में भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। 6 सेमेस्टर के कोर्सेज में जो सेमेस्टर है हमारे दो तरीके से रन होते हैं, सबसे पहला जो चलता है वो और सेमेस्टर कहलाता है, जैसे कि आप ही आप लोग और सेमेस्टर, और सेमेस्टर में जो आपको होते हैं जिसमें 1, 3 और 5। जो स्टूडेंट इस साल प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर को प्रमोट होने के बाद पास करने के बाद फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर पास करने के बाद सेकंड ईयर में आए होंगे उनका इसमें सेमेस्टर कौन सा चल रहा होगा, थर्ड चल रहा होगा। और जो स्टूडेंट सेकंड ईयर पास करके इसमें थर्ड ईयर में आए होंगे उनका कौन सा सेमेस्टर चल रहा होगा, 5 सेमेस्टर। इस तरह से ये 1, 3 और 5 और सेमेस्टर इसमें रनिंग में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सेमेस्टर होता है उसे हम बोलते हैं इवन सेमेस्टर। इवन सेमेस्टर में आपका सेकंड, फोर्थ, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लेंगे देन यू प्रमोटेड इनटू द सेकंड सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में आपके एडमिशन लेने से और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक टोटल 6 महीने का लगभग टाइम होता है, जिसमें से लगभग 3 महीने आपकी क्लासेस का टाइम होता है, एक्टिविटीज और लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 3 से 4 महीने के बीच में होती है, 90 डेज का होता है वर्किंग डेज, मतलब इफेक्टिव 3 मंथ्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो लगभग 4 महीने के आसपास आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, जिसमें बाकी कुछ टाइम आपका एडमिशन में जाता है, बाकी कुछ टाइम आपका एग्जाम में जाता है, ठीक है। एक सेमेस्टर 6 मंथ्स आपको कंप्लीट करना होगा, ये इवन सेमेस्टर और सेमेस्टर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके बाद अब बात आता है कि हमें ये कैसे पता लग गया कि हमें क्या पढ़ना है, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस के लिए आप नोट कर लें कि हमारी जो साइट है, क्योंकि हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जिसे हम बोलते हैं प्राविधिक शिक्षा परिषद हिंदी में, प्राविधिक शिक्षा परिषद, ये बोर्ड है जो आपको डिप्लोमा अलॉट करता है, एग्जामिनेशन बॉडी है जो यहाँ कोर्स पढ़ने के बाद आपकी परीक्षा लेती है और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करती है और आपका मार्कशीट या जो भी डिप्लोमा आपको मिलता है यहाँ से अलॉट होगा, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में आपकी डिग्री अलॉट होती है, डिप्लोमा कोर्सेज हमेशा बोर्ड से होते हैं, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो जितने की भी आप अभी जैसे आप किसी ने परीक्षा दी होगी, आप 10th किए होंगे 12th किए होंगे, तो आपने बोर्ड से किया होगा, यूपी बोर्ड से किया होगा, CBSE बोर्ड से किया होगा, MBA बोर्ड कहीं से भी किया होगा, ठीक है। तो जो भी 12th लेवल के कोर्सेज हैं वो बोर्ड होता है उसके लिए, और इससे आगे जब हायर जाएंगे आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फिर यूनिवर्सिटीज में अनाउंसमेंट होगा, अभी आपका बोर्ड में अनाउंसमेंट होगा। तो ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा ही आपका सिलेबस डिजाइन होता है समय समय पर, ठीक है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो है BTEUP.ac.in, इसको अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें, देखा बी फॉर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश .ac.in, ये वेबसाइट है जिसमें आपको अपने सिलेबस मिल जाएंगे, जैसे ही आप इसको खोलेंगे इसमें बहुत सारे टैब्स आएंगे, जिसके अंदर आपको पहले कहीं ये सिलेबस का टैब जरूर दिखेगा, उसमें आप जाएंगे तो वहां डिफरेंट कोर्सेस के लिए आपको सिलेबस मिल जाएंगे। अब वहां पर आपको जो मैंने आपको ब्रांच कोड बताए थे 330 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 343 फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 322 फॉर सिविल इंजीनियरिंग, इनकी जरूरत पड़ेगी। वहां पर जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहां पर जितने भी सिलेबस हैं वो PDF फॉर्मेट में होते हैं, .pdf फॉर्मेट होता है उनका, .pdf फाइल का नाम होगा,
वहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि आप ऑनलाइन जो भी हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनसे अवेयर हो, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं चाहता तो मैं भी यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड कर सकता, बट बेटर ये है आप इसे अपने आप से देखें और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करें। अब जब आप उसे ओपन करेंगे तो आप बहुत सारे सिलेबस होंगे अलग अलग ब्रांच के, एक ही ब्रांच के कई सारे सिलेबस होंगे, तो उसमें आपको पहले तो अपना 330 ब्रांच देखना होगा, 330 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिखा होगा, 343 मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन और 322 सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस हमारा हर 3 साल पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली रिवाइज होता रहता है, वो अपडेट होता रहता है समय के साथ, उसमें जो जरूरतें होती हैं वो अपडेट होती हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो 2018-19 वाला लेटेस्ट सिलेबस है, 18-19 में सिलेबस रिवाइज हुआ था। और ये जो सिलेबस है वो बेसिकली NSQF बेस्ड है। ये जो सिलेबस आप देखेंगे, आप जो भी सिलेबस डाउनलोड करेंगे वो NSQF बेस्ड है, उसमें लिखा हुआ कहेंगे NSQF। क्या होता है NSQF? ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। ठीक है, तो सिलेबस ये डिजाइन NSQF पर किया गया है। ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए सिलेबस को डिजाइन किया गया और एक यूनिफॉर्मिटी लाई, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स हैं, ठीक है, सभी बोर्ड अपना सिलेबस अलग अलग रखते हैं, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जैसे अभी भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है और जिसके माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके एक जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, जिससे यूनिफॉर्मिटी आए, जिससे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं तो उसमें कोई आपको दिक्कत है ना। बहुत सारी उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं, तो कभी हम आगे डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। तो ये NSQF के माध्यम से जनरली NSQF के अंदर एक स्टैंडर्ड पैटर्न से आपका सिलेबस डिजाइन होता है और इसके साथ साथ उसमें ये भी बात की जाती है कि लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। जब इस सिलेबस को आप देखेंगे तो उसके नीचे आपके सिलेबस के नीचे लर्निंग आउटकम्स लिखे होंगे। लर्निंग आउटकम्स मीन्स जब आप उस सिलेबस को पढ़ लेंगे तो आप उससे क्या सीख पाएंगे, आउटकम्स क्या आएगा उसका। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं व्हेनेवर यू आर एंटरिंग टू द डिप्लोमा कोर्स, हम ये जानते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, जब आप इसे पूरा कर लेंगे यू विल बी इंजीनियर, यही आउटकम है ना, और आप इंजीनियर होंगे यू विल बी एलिजिबल टू गेट द जॉब एज एन इंजीनियर और टू डू सम अदर रिसर्च वर्क व्हाटएवर यू वांट टू। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहते हैं एज एन इंजीनियर वो आप कर पाएंगे, आउटकम्स है हमारे कोर्स का। इसी तरह से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, ठीक है, वो हमें पता लगेगा। तो आप सबसे पहले जाएंगे वेबसाइट पर btup.ac.in पर और उस पर जाकर के सिलेबस टैब के अंदर 2018-19 का आपकी 330 ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या सिविल या मैकेनिकल का आपने सिलेबस डाउनलोड कर। ठीक है, जब आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे तो ये सिलेबस में आपके पूरे 3 साल का कोर्स रहता है, यानी सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, उनका सिलेबस प्लस उसके साथ साथ कितना असेसमेंट, कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, कोई डाउट हो तो आप बीच में अपना रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाएंगे और पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप तुरंत पूछ सकते। ठीक है, तो जब आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे उसमें कुछ टू के स्टार्टिंग पेज तो उसमें आपके सिलेबस की एक जो प्रीफेस होता है उसका होता है कि उसको उसका जो आधार होता है, ग्राउंड होता है, उसे क्यों बनाया गया, क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद उसमें जो कमेटीज़ थी, उनमें जो एक्सपर्ट्स थे, उनके नाम वगैरह होते हैं। फाइनली उसके बाद जब आपका सिलेबस स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो उसमें दिखेगा आपको फर्स्ट सेमेस्टर, आप वो आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें एक टेबल बनी होगी, टेबल में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरह से सब्जेक्ट्स लिखे होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी के आगे लेक्चर, ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल,
तीन चीज़ें होती हैं आप किसी भी सब्जेक्ट को जो आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर लेक्चर्स होते हैं जिसमें व्याख्यान दिया जाता है, जिसमें मैं अभी आपके ले रहा हूँ जस्ट लाइक अ लेक्चर कि आप सभी लोग तो मैं कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है उसमें ट्यूटोरियल, आप सर मैथमेटिक्स के हैं तो मैथमेटिक्स आ जाएंगे, ट्यूटोरियल है नहीं है। सो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स तो टोटली न्यूमेरिकल टाइप का ही होता है बेसिकली, बट टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो लेक्चर्स के साथ में ट्यूटोरियल्स कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ट्यूटोरियल्स भी होते हैं। ट्यूटोरियल्स का क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें एनालिटिकल पार्ट होता है जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब एक बार आपको थ्योरी समझा दी गई तो न्यूमेरिकल्स के लिए लेक्चर अलग से होता है, वो डिज़ाइन होता है। बाकी वो फैकल्टी पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो अपने कोर्स में अगर मुझे लगता है कंफर्टेबल है कि मैं यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और मुझे अभी न्यूमेरिकल की जरूरत है तो मैं अभी बता सकता हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मुझे ट्यूटोरियल में ही ट्यूटोरियल बताना है, इट डिपेंड, ठीक है। बट आपका जो सिलेबस है उसमें मे बी इट मे बी ट्यूटोरियल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर आवश्यकता होगी सब्जेक्ट में तो रहेगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, लेकिन लेक्चर जरूर होगा। इसके अलावा पी से प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, उसमें लेबोरेटरीज होंगी, जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे उनके लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जैसे आपने फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, एकेडमिक्स में पढ़े होंगे, कंप्यूटर्स के अंदर किए होंगे आपने, कंप्यूटर लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करते हैं कि वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, जैसा हमने पढ़ा वैसा है कि नहीं। तो लेक्चर प्रैक्टिकल ये होगा, तो जैसे आपने एक सब्जेक्ट देखा, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 5 लेक्चर पर वीक, ये जो यहाँ पर लेक्चर ट्यूटोरियल पढ़ते हैं ये 1 वीक का सिलेबस होता है, 1 वीक का पैटर्न होता है कि एक वीक के अंदर इतने लेक्चर्स हो गया, ठीक है। तो 5 लेक्चर जैसे इसमें देख, अगर आप फिजिक्स में देखें तो 3 लेक्चर होंगे आपके और 2 लैब लैब हुई वीक में, केमिस्ट्री में देखें तो 3 लेक्चर 2 लैब हुई, इस तरह से वहाँ पर आपका सब्जेक्ट का पूरा लिखा होगा कितने लेक्चर, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको एक टाइम टेबल आई थिंक सबको मिल गया होगा, टाइम टेबल हमने डिजाइन किया, तो आपका टाइम टेबल है वो वीक में 48 लेक्चर्स का होता है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 सॉरी 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 8 लेक्चर पर डे होते हैं आपके, 4 मंच से पहले और 4 मंच के बाद में 8 लेक्चर होंगे एक दिन में और 6 दिन का वीक, तो आपके 48 लेक्चर होंगे टोटल, इस लैब इस लेक्चर इस 48 के अंदर लैब भी होंगी, लेक्चर्स भी होंगे और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज में भी जो भी होंगी वो सब होगा, ठीक है। तो 48 लेक्चर का आपका शेड्यूल रहेगा, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ये पता लग गया कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, वीक में किस सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स होंगे, ठीक है, ये सब पता लग गया। उसके बाद इसकी आगे कहीं पर सेशनल्स लिखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसको जरूर ध्यान से देखें, और देन सेशनल एंड थ्योरी, सेशनल और बोर्ड एग्जाम। सेशनल जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ऐसे ही एग्जाम में भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी कि ये जो हमारा शिक्षक प्रशिक्षण है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप यहाँ पढ़ेंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। आपके जो भी मार्क्स हैं उसका लगभग 30% to 25% जो मार्क्स हैं वो यहाँ से कॉलेज से मिलेंगे आपको, सेशनल जो टीचर्स पाएंगे आपको, जो फैकल्टीज आपको पाएंगे वो आपका जो टेस्ट लेंगे, ठीक है, तो वो सेशनल्स के रूप में कहलाता है। जो मार्क्स हम आपको यहाँ से दे के बोर्ड भेजेंगे, ठीक है, वो सेशनल्स कहलाएंगे, और जो एग्जाम बोर्ड एक्सटर्नल एग्जाम के रूप में लेगा जिसमें आप अपीयर होंगे और अपना एग्जाम लिखेंगे, वहां से मार्क्स होंगे आपके। 2 तरह के मार्क्स होंगे, सेशनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल भी कह सकते हैं आप, इंटरनल को ही हम सेशनल बोलते हैं, ठीक है, तो सेशनल एग्जाम हो गया और एक्सटर्नल। अब सेशनल जो एग्जाम है वो कई पार्ट्स पर डिवाइड है, जनरली तो उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 पार्ट होते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ मार्क्स सेशनल भी होंगे, यानी आप जब उस सब्जेक्ट को करेंगे तो उसमें उस सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो आपको जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है उनके हाथ में, तो आप अगर अच्छे से क्लास करेंगे, अच्छे से उनके टेस्ट देंगे तो ऑब्वियस है आपको वो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो थ्योरी में और उसी का लैब होता है, तो लैब में भी आपका मार्क्स यहाँ से इंटरनल दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बोर्ड में आप एग्जाम देंगे उसमें भी आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम एक्सटर्नल होता है, जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वहां से और लेबोरेटरी के अंदर आपसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करा के देखता है और वो नंबर वन। और इसके साथ साथ थ्योरी में भी रिटन एग्जाम होगा और उसके माध्यम से जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जैसे 50 मार्क्स का हमारा जनरली आपका
बोर्ड बोर्ड एग्जाम होता है, जिसमें से मिनिमम 17 पासिंग मार्क्स, ठीक है, 33% 17 मार्क्स पासिंग मार्क्स, पर आप यू विल नॉट फोकस ऑन दैट कि सेल्फ फर्स्ट नंबर में लाने, ठीक है, कम से कम 60% को से कम तो कोई वैल्यू होती नहीं टेक्निकल में, आपको अपना फर्स्ट डिवीजन को मेंटेन रखनी है हर हालत में, 60% में फर्स्ट डिवीजन होती है, 80% में यू विल गेट दी ऑनर्स, सम्मान सही होते हैं 80% में आप ओनर्स में आ जाएंगे, आपके डिप्लोमा पे लिखा होगा यू विल पास विद ऑनर्स, ठीक है, तो आप अपना जो भी गोल है वो सेट कर लें कि आपको कहाँ पर रखना है, 80 पे सेट करना है, कुछ आप ऐसे ऐसे जो यहाँ सेट करेंगे मेरा ये टारगेट है, ठीक है, बट इट डिपेंड ऑन यू, मेरा कहना ये है कि आप हमेशा टॉप का टारगेट लेके चले, आप ओनर्स को कॉन्सेंट्रेट करें, जब आप बड़ा टारगेट लेंगे आपकी मेहनत ज़्यादा होगी, तो मैं समझता हूँ कि आप 99.9% मैं कह सकता हूँ कि आप फेल तो कभी हो ही नहीं सकते, हो सकता है कि आपने 80 का टारगेट दिया, 80 की मेहनत की और आपका 70 फायदा या 70 रहेगा, सब हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप फेल हो गए, लेकिन अगर आप फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन या उतने ही का पासिंग टाइम आगे भी चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता नीचे, क्योंकि एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती ना, थोड़ा अप डाउन जाता है, हमने 80% की मेहनत की, हो सकता है 70% ही मिले, हो सकता है 90% ही मिल जाए, बहुत अच्छा हो गया एग्जाम, आप जैसा तैयारी करके गए और बहुत अच्छा एग्जाम आ गया तो बहुत अच्छा लग गया आपने, मे बी इट्स पॉसिबिलिटी, बट अगर टारगेट अच्छा है तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं, भूल जाइए फेल हो जाएंगे, बस मेहनत काफ़ी जरूरी है, वो करते रहिए तो वो कोई चांस नहीं रहता उसको, अदरवाइज तो क्या है कि अगर 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक आ जाता है, आई थिंक 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर बैक आता है आपका दोनों सेमेस्टर में लाके, तो क्लियर बैक हो जाता है, आपको वो साल दोबारा से पढ़ना होता है, तो एक सेमेस्टर में 2 से ज़्यादा बैक आप कैरी नहीं कर सकते, और एक साल में अगर 4 से ज़्यादा बैक आ गया तो वो साल दोबारा से पूरा फर्स्ट सेमेस्टर से या जो भी सेमेस्टर आपका ईयर है वो दोबारा से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए अलर्ट रहें, हर सब्जेक्ट में मेहनत करके चलें, बैक ना लगे, क्योंकि जब आप पास होकर जाते हैं तो काफ़ी सारी कमियाँ ऐसी होती हैं जो ऑल आउट ऑल क्लियर मानती है, स्टूडेंट ऑल क्लियर होना चाहिए, थ्रू आउट पास होना चाहिए, कोई बैक कैरी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स होती है कभी अच्छी कमी होती है, इसीलिए मैं आपको इसीलिए अवेयर कर रहा हूँ इसे, क्योंकि अभी शुरुआत है आपकी, आप जैसा चाहें जिस रास्ते से चाहें उस रास्ते से चल सकते हैं, आप जो रास्ता चाहें वो चुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा है, कौन सा रास्ता आसान है, कंफर्ट जोन में जाएंगे तो परेशानियां हैं, कंफर्ट जरूर मिलेगा लेकिन आगे जाके दिक्कतें आएंगी, और शुरू से ही हार्ड जोन में रहेंगे तो फिर आगे जाके कंफर्ट जोन में निश्चित पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें, तो ये सेशनल और एग्जाम में दोनों समझ में आ गया, तो इसीलिए आपको रेगुलर रहना है, क्लास में डिसिप्लिन रहना है, हर चीज़ के मार्क्स हैं आपके, अभी मैंने जैसे ये सब्जेक्ट के बताए, ठीक है, इसके बाद जो आपका एक आता है, जैसे अभी आप उसमें क्लास में आया था, जब बच्चे बताते हैं SCA का क्लास कह रहे थे ना, एक सब्जेक्ट आपका होता है SCA, देखा होगा आपने, दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी, इसके अंदर जनरली पढ़ाई से अलावा जो भी आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उसको इसमें कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो एज ए एक सब्जेक्ट की तरह मान लें इसको, अगर आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग जब एकेडमिक्स में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा एक सब्जेक्ट कंप्यूटर या कुछ ऐसा आप लेते होंगे जिसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता कहा जाता है ना, उससे क्या होता है आपका ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव हो जाता है, तो यहाँ पर भी अगर आप SCA में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी परसेंटेज को और अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे, ये जनरली आपका 30 मार्क्स का होता है जिसमें से 10 मार्क्स फॉर दी डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन के होते हैं आपके अनुशासन से होंगे, अगर आप क्लास करने में जो भी आपकी अपीयरेंस है उसमें अगर रहते हैं अनुशासन में रहते हैं डिसिप्लिन रहते हैं तो ये मार्क्स आपको, और ये मार्क्स आपके HODs के द्वारा दिए जाएंगे, जो डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे उनके द्वारा दिए जाते हैं विद दी कंसल्टेशंस ऑफ दी ऑल दी फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है, अगर किसी को शिकायत आती है फैकल्टी से कुछ आती है तो नंबर आपके इसमें डिडक्ट हो सकते हैं,
ठीक है, तो 10 नंबर आपके डिसिप्लिन के हैं, ये पूरे आपके अपने हाथ में हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, वेल डिसिप्लिन रहती है, ठीक है, तो आपके मार्क्स दे सकते हैं। 5 मार्क्स आपके जो होते हैं वो अटेंडेंस के होते हैं, अटेंडेंस इंटू दी SCA, ठीक है, SCA की क्लास को आप अटेंड करते हैं। अम्बाली सर ने कहा कि आज क्लास में आप कोई एक्टिविटीज दे दी, आज हमें फील्ड में जाकर कुछ सफाई कर दी, एक सर्विस करनी है, स्वच्छता अभियान चलाना है, एक काम दे दिया हमने वो अच्छे से किया, ठीक है, एक एक्टिविटीज हो गई हमारी, तो वो 5 मार्क्स आपके इसके, ये भी HODs के आपके होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देते हैं, दी कंसल्टेशन ऑफ दी कंट्री टीचर, ठीक है। 15 मार्क्स तो आपके ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो आपके होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैकेनिकल से, सिविल जो भी हेड है होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स में आपका NCC, NSS, स्पोर्ट्स, यानी कोई भी आप कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटीज, कोई कल्चर पे पार्टिसिपेट करते हैं, किसी को फोटोग्राफी का शौक है मान लीजिए, ठीक है ना, हमने उसको कोई, हमारे यहाँ कोई इवेंट हुआ, कोई फंक्शन हुआ, जिसको फोटोग्राफी में अच्छा इंटरेस्ट है, हमने उसको एक काम दे दिया, भाई फोटोग्राफी आओ, उसका चॉइस का काम था, उसको अच्छा लगता है, उसने बहुत अच्छे से फोटोग्राफी की, बहुत अच्छे से फोटोग्राफी की, ये अपने आप में ये भी एक आर्ट है ना, कि कैसे फोटोग्राफी करनी है जिससे अच्छा है, तो फोटोग्राफी है, सेमिनार्स हैं, कोई प्रेजेंटेशन है, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके 15 मार्क्स, ठीक है, जिसमें 15 मार्क्स जनरली जो है वो मैक्सिमम कब मिलेंगे, जब नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपने किसी एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, किसी भी एक एक्टिविटी, यानी कि NCC में आप नेशनल लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया हो, NSS में, ठीक है, NCC क्या होता है, नेशनल कैडेट्स, ठीक है, NSS नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है, सो इनमें करें तो ये तो दोनों हमारे पास अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट स्पोर्ट्स हमारे यहाँ होता है, इसके अलावा स्पोर्ट्स, ठीक है, तो इनमें से किसी एक में आप स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 15 मार्क्स आपको पार्टिसिपेट करने वाले, ठीक है, मिल जाएंगे। देन 10 मार्क्स आपके होते हैं वो है आपके इन एक्टिविटीज में से, NSS, NCC, स्पोर्ट्स या कोई कोर करिकुलर एक्टिविटीज में से किसी दो एक्टिविटीज में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 10 मार्क्स, और एक ये इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से 30 मार्क्स, ये जनरली ये जो मार्क्स हैं ये आपके स्पोर्ट्स इंचार्ज, स्पोर्ट्स इंचार्ज और कल्चरल जो भी एक्टिविटीज के इंचार्ज होंगे वो इसको मिलकर, ये आपका स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आपकी तरफ से पूछ सकते हैं, नहीं स्काउट होता है, इसमें केवल NCC, NSS और स्काउट नहीं, ठीक है, ये हो गया आपका। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब बात आता है कि आपको अपना सब्जेक्ट पता लग गया, अब जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे इसमें से जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके, आपने देखे हो सही, और 7 में से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है तीनों ब्रांच में, जैसे अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, देन कम्युनिकेशन, ठीक है, देन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग फर्स्ट कॉमन, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट कॉमन, ठीक है, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या रह गया, हैं? अब एक सब्जेक्ट जो होगा, 6 तो कॉमन है, एक सब्जेक्ट को डिफर, जैसे BIT कौन से पढ़ रहे बच्चे, BIT के में बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस सिविल में है, किसमें है, मैकेनिकल में होगा, मैकेनिकल में, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिविल में है, साइंस कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिविल वाले पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले BIT और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल, सभी का एक एक सब्जेक्ट पर डिफर है, बाकी सारे सब्जेक्ट कॉमन है, तो आप एक दूसरे की हेल्प लेके भी आप काम कर सकते हैं उन सब्जेक्ट में,
नोट्स आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही किसी अच्छे स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट में उससे पूछिए आपने। बाकी फैकल्टी तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी तो फैकल्टी कॉमन है, सभी में एक ही पढ़ाई है। जैसे मैडम हमारे पास है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में है, केमिस्ट्री में सर हैं, फिजिक्स में भी सर पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स में ऑलरेडी सर हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉमन सब्जेक्ट हो गए। देन इसके बाद जो आठवां सब्जेक्ट जैसे मैंने सब्जेक्ट रूम में कहा, बट इट्स नॉट अ बेसिकली सब्जेक्ट, इट्स अ स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। ये आपका पूरा ऑल ओवर स्ट्रक्चर है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी आप सब लोगों को एक यूराइस पे लॉग इन मिलेगा। पहले तो सभी का आई थिंक सबके व्हाट्सएप ग्रुप बन गए होंगे, ब्रांच वाइज बन गए नहीं बन गए सभी के ग्रुप बन गए होंगे सेमेस्टर ईयर वाइज। फर्स्ट ईयर का सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, मैकेनिक फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, आप सभी को ज्वाइन कर लें। जो भी आपके और स्टूडेंट्स को अभी एडमिशन चल रहे हैं जो भी आते हैं आप उनको जरूर गाइड कर दें, वो भी उस एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करें। देन आपके पास एक हमारे पास एक यूराइस पोर्टल है, इस पर और आपको एक लॉग इन मिलेगा, ठीक है। ये जनरली इसका है यूनिफाइड रीइमेजिंग इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावर। यूराइज पोर्टल पर आप सभी को एक लॉगिन मिलेगा जिसमें एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा, इसमें आपका सारा डेटाबेस होगा। इस यूराइज पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। यूनिफाइड रीमेजिन इनोवेशन है ये, पर मेरे भी एक तरह से इस तरह का पोर्टल है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिलेगी, जिसमें आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना, अपना रिजल्ट देखना, आपकी अटेंडेंस, टाइम टेबल, इसके अलावा जो भी यूआईएस के माध्यम से और भी एक्टिविटीज आपकी इस पर समय समय पर होती रहेगी, तो उस पर आपको एक लॉगिन मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी दो साल होने जा रहे हैं, कोविड 19 महामारी का दौर काफ़ी तेजी से चला और अभी भी जारी है, ठीक है। तो उस समय में हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजुकेशन दिया ऑल ओवर यूपी में हमारी सारी फैकल्टीज। मैं समझता हूँ शायद आई थिंक गवर्नमेंट अकॉर्डिंग चांसलर पूरे उत्तर प्रदेश में आई थिंक पूरे लेक्चर की संख्या अगर आप देखोगे तो शायद पूरे यूपी में किसी भी कॉलेज के लिए लेक्चर्स डिजिटल नहीं है जितने हमारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप उनके माध्यम से यूराइस के माध्यम से उन डिजिटल लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट हैं मेरे खुद के अपने चैनल पर लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट के ऑल कंप्लीट सिलेबस आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आप क्लास करते हैं, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपको वीडियो लेक्चर्स का और डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा ये होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी यहाँ नहीं आए, एडमिशन नहीं हुआ है, जो आज नहीं आए उनका तो मिस हो गया, ठीक है। वो इससे अब उतना उनको कोचिंग नहीं मिलेगा, आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेंगे, लेकिन जितना अच्छे से आप समझ पा रहे हैं उतने अच्छे से वो नहीं समझ पाएंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा ये है कि अगर हम जैसे इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर मैं इसे अपने चैनल पर डालूंगा तो जो और भी स्टूडेंट्स आएंगे वो भी इसे देख पाएंगे, बाकी और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं वो भी देख पाएंगे। तो एक जब किसी सिस्टम में आप आ रहे हैं, उस सिस्टम की जाने से पहले ही उसकी आपको सारी जानकारी मिल गई कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ से आपको अलर्ट रहना है, कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, अगर ये आपको पहले से पता लग जाए तो आप थोड़ा अलर्ट होकर और अच्छे से काम कर पाएंगे, तो उसका माध्यम से आप जो है वो और अच्छा कर पाएंगे। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिसके लिए आप चैनल में आपको बता देता हूँ, मेरा जो चैनल है डॉक्टर सोनवीर सिंह, ये सभी आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Then you will get all the informative video as well as your subject video, simplifying engineering education. आप डॉक्टर सोनवीर सिंह के नाम से यूट्यूब पे चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डॉक्टर सोनवीर सिंह सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन। इस चैनल पर लगभग 450 के आसपास वीडियोज अवेलेबल है, जिसमें आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, एग्जाम आप कैसे दे सकते हैं,
क्या क्या आपको एग्जाम के टाइम में आपकी तैयारी के लिए करना होगा। इसके अलावा आपके विषय से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट सिलेबस पूरा लेक्चर वन से लेके स्टार्ट कीजिए और जितने भी लेक्चर का सिलेबस है आप पूरा सिलेबस आप उसे कर पाइए वो अवेलेबल है। इसके अलावा आपकी पर्सनलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड PDP जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पेंट होती है, पर्सनलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के PDP के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको स्कॉलरशिप जैसे अभी भरी जा रही है तो स्कॉलरशिप में आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे आपको स्कॉलरशिप में गलती ना हो, वो सारी वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग उसमें आपको वीडियोज मिल जाएंगे तो आप ये कर लेंगे। तो इसके माध्यम से आप तो ये वीडियो हमारे जितने भी हैं सब्जेक्ट के वीडियो मोस्टली आपको यूटिलाइज करके मिल जाएंगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट के अलावा जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे कोई भी वीडियो अगर आएगा तो आपको उसका पता लगा। ठीक है, तो ये आपका यूटिलाइज पोर्टल हो गया जिसके माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करना या जो भी आगे एक्टिविटीज होंगी वो आपको मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा और आज का जो मेन एकेडमिक से रिलेटेड था, क्योंकि मैं डॉक्टर सोमवीर सिंह यहाँ जो संस्था में आपके एकेडमिक इंचार्ज भी हूँ, आपके शिक्षण प्रशिक्षण का अधिकारी मैं हूँ, जो भी आपकी क्लासेस अगर नहीं होती हैं या जो भी दिक्कत है आप उससे आके कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा संस्था में हमारे हर चीज़ के लिए कमेटी बनी हुई है, उनमें उनके अधिकारी हैं, अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई समस्या है तो मिस्टर अभिनंदन सर हैं, आप उनसे डिस्कस करेंगे अकाउंट से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो। अगर आपकी स्टूडेंट या आपके अपने एडमिशन से रिलेटेड आपकी मार्कशीट TC या जो भी कुछ है उनसे रिलेटेड है तो मिस्टर विनीत सर हैं जो आपके स्टूडेंट इंचार्ज हैं, उनसे आप मिलेंगे। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिए आशीष सर हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो, तो कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए हर एक के लिए आपके हमारे कमेटी बनी हुई है, उन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनमें से किसी से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी क्लास के अपने क्लास काउंसलर्स होंगे, क्लास जिन्हें आप एकेडमिक्स में देखो क्लास टीचर कहा जाता है, हमारे यहाँ पर उसको क्लास काउंसलर कहा जाता है, क्लास कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं, उस क्लास के एक कोऑर्डिनेटर होंगे, एक सब कोऑर्डिनेटर होंगे, तो कोई भी समस्या आपको अपनी कोई भी दिक्कत है आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स आपकी तरफ से अब कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका और कोई डाउट नहीं है किसी को कुछ भी अब। ठीक है, तो आप सब यहाँ से जाकर अपना सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लें। बुक्स की बात है तो बुक्स में जनरली बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर बुक्स कौन सी लें, तो बुक्स में जब आपके सर आपको जो भी फैकल्टीज पढ़ाने आएंगे वो आपको सर बताएंगे कौन सी बुक्स आपको लेनी है। ठीक है, वो आपको बता देंगे। इसके साथ साथ कई सारे पब्लिशर्स हैं जिसमें सार्थक पब्लिकेशन, सार्थक के नाम से वो काफ़ी हैं, सार्थक पब्लिकेशन जो कि JPMP के नाम से है, JPMP भी बोलते हैं। इसके अलावा ACN पब्लिशर है, VVP है, कई सारे पब्लिकेशन है, त्रिपति है, तो इनके में से किसी भी बुक जो भी सर आपको कंसल्ट करें वो आप कर लें। मेरी खुद की पॉलिटेक्निकल 4 से 5 बुक पब्लिश्ड हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं, तो ये आपको बुक्स ऑलरेडी मिल जाएंगी, टीचर्स आपको बता देंगे। इसके अलावा आई थिंक और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी क्लास करते वक्त कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आपकी क्लास रेगुलर कंटिन्यू चलेगी, जो भी आपकी शेड्यूल क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो को देखने के पश्चात अगर आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे अन्य आपके साथी भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगर चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो नीचे बने सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपकी स्क्रीन पर प्राप्त होती रहे और भविष्य में आने वाले विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको रोचक जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।